રાજકોટ સિવિલની કેટી ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલમાં નવજાત શિશુઓનો મૃત્યુદર 28% હોવાની વિગતો આરોગ્ય વિભાગે આપી છે, પરંતુ તે તદ્દન અધૂરી વિગતો અપાઈ છે. 51 નવજાતને તેના માતા પિતા સારવાર અધૂરી છોડી ચાલ્યા ગયા છે, તેની ગણતરી તો કરાઈ જ નથી. નવેમ્બર માસમાં 388 નવજાત દાખલ થયા તેની સામે 101ના મોત થયા છે. જે રીતે મૃત્યુદર 28% હોવાનું આરોગ્ય વિભાગે જાહેર કર્યું છે, જો કે આ માત્ર અધૂરી માહિતી છે. હકીકતે 388માંથી 51 નવજાતના ડામાં ભરાયા છે, એટલે કે નવજાતના માતા પિતાને સિવિલની સારવાર પર ભરોસો ના રહેતા અધૂરી મૂકીને જતા રહે છે, તેમજ 7ને અમદાવાદ સિવિલમાં રિફર કરાયા છે. તેથી સિવિલ પાસે ડિસેમ્બરમાં ફક્ત 330 નવજાત સારવાર હેઠળ હતા અને તેમાંથી 101ના મોત થયા છે. હવે ગણતરી માંડવામાં આવે તો સિવિલ હોસ્પિટલનો મૃત્યુ દર 28% નહીં પરંતુ 34% થાય છે. હા, ક્યાં કહેગે ઇમરાનભાઈ? એકચ્યુઅલી એસા હૈ કે યહાં કુછ કુછ એક્સપિરિયન્સ એસે હુએ થે, ઇસકે રિગાર્ડિંગ યે જો મુઝે બતાયા ગયા થા, ઇસકે લિયે મેં શેર કરતા હું કે ક્યા ક્યા આપકો ઇશ્યુ હુએ, યા મતલબ યે કૈસા લગ ઇલેક્શન સ્ટેટ ये जो किड्स हॉस्पिटल है, तो मतलब कुछ कुछ इशू ऐसे हुए हैं कि कुछ कुछ तो मेरे लिए तो कुछ कुछ है, बाकी तो ज़्यादा इशू है, क्योंकि ज़्यादा इशू है तभी तो 134 नंबर किड्स का जो मतलब डेथ हुआ है. तो मेरे साथ भी पहला हादसा हुआ है कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरी बच्चे को फर्स्ट टाइम ऐसी बीमारी हो गई. तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे जो यहाँ पे एडमिट हुआ तब जाके डॉक्टर ने बताया कि शायद आपको मतलब निमोनिया के इश्यूज बहुत, मतलब निमोनिया का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए आपको पहले एक्सरे करना पड़ेगा. तो मैं मुझे डॉक्टर ने एक्सरे लिख दिया यहाँ पे कि आपको चेस्ट का पहले एक्सरे करवा लीजिए. तो मैं जब एक्सरे करने के लिए गया 21 नंबर पे, वहाँ पे एक्सरे करने के लिए गया तो वहाँ पे बोला कि मैं बोला एमरजेंसी है, थोड़ा जल्दी एक्सरे कर दो जल्दी, मेरे को मिलती मेरी थोड़ा ज़्यादा तकलीफ है. वो बोला ठीक है, कोई बात नहीं. तो उसमें मेरे को चेस्ट का एक मतलब एक्सरे करना था, तो उसने पेट का कर लिया. तो वही एक्सरे लेकर मैं डॉक्टर के पास आया. डॉक्टर बोला मैं इसमें लिखा था मैंने मतलब चेस्ट का, तो ये पेट का हो गया, आप रिपीट एक्सरे करवा लीजिए तो आपको बेटर रहेगा. अगर ऐसे प्रॉब्लम अगर होते रहेंगे तो ये मतलब क्या करना है आपने. डॉक्टर की तरफ से कैसे बयान आते हैं जब कोई बीमार होता है? एक्चुअली ऐसा होता है कि डॉक्टर के रिगार्डिंग तो क्या होता है कि बहुत सारे इशू होते हैं. उसमें बताया गया कि अभी कल की बात कर रहा हूँ, रात के टाइम पर मेरे बच्चे को निमोनिया हो गया, तो उसको मुझे एक बड़ा सा इंजेक्शन भर के दे दिया कि ये 6-6 घंटे भी लगे बस आपको देने. बस वो उसके बाद मेरी वाइफ को मैंने कॉल करके दिया, वो क्या आपको ट्रीटमेंट होगा. तो रात को ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी है ही नहीं, बट उसमें बुखार आ गया था, तो उसमें मतलब इंजेक्शन देते चले. फिर सुबह जाके मैंने अर्ली मॉर्निंग 6:30 को जाके डॉक्टर को, मैंने मेरी वाइफ को पूछा कि भाई आपने क्या क्या है ट्रीटमेंट के लिए, क्या बोला. तो बोला कुछ नहीं, मैडम आएगी तो बताएंगे. तो फिर मैंने वहाँ की नर्स है, नर्स को मैंने पूछा कि मैडम ट्रीटमेंट नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है आपका. तो बोले ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं, जब डॉक्टर आएंगे तब बताएंगे. मतलब रूट बिहेवियर, बात करने का उसका तरीका, एटिकेट्स, दैट इज अ रॉन्ग थिंग फॉर यरसेल्फ. स्टाफ की स्टाफ की कमी है तभी तो ऐसे इश्यू हो रहे हैं. और ट्रेनिंग डॉक्टर्स आते हैं? हाँ, डॉक्टर्स में क्या ट्रेनिंग आते हैं, नर्स हैं यहाँ पे, बहुत पुराने नर्स हैं, लेकिन नर्स का भी क्या रूट बिहेवियर के हिसाब से कोई मतलब, उसको डॉक्टर का पूछने जाए तो भी दिक्कत, डर लगती है कि भाई पूछे कुछ उल्टा सुल्टा जवाब दे देंगे तो क्या करेंगे. तो मतलब डर के मारे भी कोई पूछने जाता है, इसके हिसाब से बच्चों की तबीयत खराब होती है. नायब मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा कि कोई भी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम नहीं है इस हॉस्पिटल में, क्या कहेंगे? नहीं है, अगर नायब मुख्यमंत्री यहाँ पे आए और यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ से मतलब यहाँ पे इसकी विजिट ले, सरप्राइज विजिट ले, उसको मालूम पड़ेगा क्या क्या चल रहा है यहाँ पे. क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज विजिट लेने की ही जरूरत है कि पता ना चले कि सेम साहब यहाँ आ चुके हैं. यहाँ पे ऑन द स्पॉट विजिट लोगे तो पता चलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ तो ट्रीटमेंट के बगैर सब अयाशी चल रही है. मतलब मोबाइल चल रहे हैं, व्हाट्सएप चल रहे हैं, फेसबुक चल रहे हैं, वही चल रहे हैं. कैमरामैन मयूर टेलर साथ सोनल टोपीवाला, दिव्यांग न्यूज, राजकोट.